वहीं दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। आपको बता दें ये खबर दिल्ली से, जहां पर संसद सत्र से पहले सर्वदलीय मीटिंग आज दिल्ली में बुलाई गई है। देखा जाए तो संसद सत्र के शुरुआत से पहले ये बैठक जो कि महत्वपूर्ण मानी जा रही है, आज इस बैठक को किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें इस मौके पर कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे जिन पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। तीन तलाक समेत कई विधेयक जिन पर इस बैठक में चर्चा की संभावना है, जिन पर चर्चा हो सकती है, तो वही विपक्ष को साथ लेने की कोशिश भी बीजेपी इस बैठक के दौरान करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें दिल्ली में ये संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज ये बैठक दिल्ली में होनी है, क्या कुछ मुद्दे रखे जा सकते हैं सर्वदलीय बैठक के दौरान? देखिए, अगले सप्ताह से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। संसद के सत्र से पहले, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार का पहला सत्र होगा, नई सरकार का पहला सत्र है, तो ऐसे में जो कई विधेयक अटके हुए उन पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष की सहमति वो काफी जरूरी है। इसी को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में तमाम विपक्षी दलों के सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे और कहना कि जो सत्ता दल है, जो एनडीए है, एनडीए की कोशिश होगी कि जो विपक्षी दल है उनको भी साथ लिया जाए। तीन तलाक जो विधेयक है पिछले दिनों कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी, पहले भी ये संसद के अंदर रखा गया, लेकिन कहना कि राज्यसभा में लटक जाता था। लेकिन इस बार सरकार की कोशिश रहेगी, सत्ता पक्ष की कोशिश रहेगी कि सभी विधेयकों के ऊपर कहीं ना कहीं जो विपक्ष उसको साथ लिया। इसी को देखते हुए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक के जरिए यही कोशिश की जाएगी कि जो विपक्ष है विपक्ष को भी साथ आ जाए। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष को साथ लेने की तैयारी में है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, देखिए सर्वदलीय बैठक के जरिए यही कोशिश रहेगी कि जो विपक्ष है विपक्ष को साथ लिया जाए। जो तीन तलाक समेत जो कई विधेयक है जो काफी समय से लटके हुए हैं, उन विधेयकों को एक बार फिर संसद के पटल पर रखा जाए। उस पटल पर रखने से पहले कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि जो विपक्ष है विपक्ष को साथ लाने की कोशिश की जाए। सर्वदलीय बैठक में भी यही कोशिश की जाएगी कि अगर विपक्ष को किसी विधेयक से किसी तरह की आपत्ति है तो वो अपनी बातें सर्वदलीय बैठक में रख सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें दिल्ली में संसद सत्र से पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है आज, जिस पर तीन तलाक के बिल पर भी खासतौर पर चर्चा की जा सकती है।